खबर इस वक्त की आप जानिए, इसराइल और ईरान तनाव के बीच में रईसी का पाकिस्तानी दौरा, इसको लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। इसराइल पर अटैक के बाद रईसी का ये पहला विदेशी दौरा है। हमले के बाद अचानक से ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा रहे हैं, जिसको लेकर चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब है। 22 अप्रैल को पाकिस्तान दौरे पर ईरान के राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं। रईसी के दौरे को लेकर इस्लामाबाद और तेहरान सहमत हुए हैं। आसिफ अली जरदारी और शहबाज से मुलाकात करने का प्लान है रईसी का। आसिफ अली जरदारी और शहबाज से मुलाकात रईसी की, लेकिन इस मुलाकात में बात किस एंगल से होगी, किन किन मुद्दों पर होगी, ये लगातार सवाल बना हुआ है। ईरान ने इसराइल पर हमला किया है। ईरान कह रहा है अगर इसराइल काउंटर अटैक करता है तो हम कड़ा मुकाबला करेंगे और पहले से कहीं ज्यादा गुनी ताकत में हम हमला करेंगे। इसराइल कह रहा है हमले का जवाब तो जरूर दिया जाएगा और हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और इन सब के बीच में अब 22 अप्रैल को प्लान है विदेश दौरे का, जिसमें रईसी जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति का यूं पाकिस्तान जाना और इसमें इस्लामाबाद और तेहरान का सहमत होना, ये बड़े संकेत हैं, बड़ा इशारा है कि ईरान आखिर सोच क्या रहा है। इससे पहले भी जब ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध की स्थिति को लेकर अंदेशा था, जब ये कहा जा रहा था कि 48 घंटे में ही ईरान हमला कर देगा, तभी से लेकर अब तक ईरान के सपोर्ट में कई देश हैं। हालांकि इसराइल का भी सपोर्ट शक्तिशाली देशों के जरिए किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है इसराइल की जो रक्षा है वो हमारे जरिए की जाएगी, इसको लेकर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इसराइल पर अटैक के बाद रईसी का ये पहला विदेश दौरा, हमले के बाद अचानक से ईरान के राष्ट्रपति का यूं पाकिस्तान जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। रईसी के दौरे को लेकर इस्लामाबाद और तेहरान सहमत हैं। आसिफ अली जरदारी और शहबाज से मुलाकात होगी रईसी की, और इस मुलाकात में जाहिर सी बात है ईरान ने जिस तरीके पर इसराइल पर अटैक किया है और इसराइल अब काउंटर अटैक की प्लानिंग में है, इसको लेकर भी चर्चा होगी।